सुरेंद्र कुमार पुवारी गौरमेंट स्कूल टीचर यूनियन वालों सांझा स्कूल प्रणाली चेतना मार्च राही अज गौरमेंट स्कूल टीचर यूनियन वालों पंजाब च मार्च किए गए पखदे अध्यापक मंगां ते किसान मजदूर अंदोलन की हमायत में इत्थे फलौर तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेदकर चौंक तो बड़ी गिनती में मोटरसाइकिल स्कूटर कारां का काफिला मंगलदास जी वीना जम्मू की अगवाई विच नगर लसाड़ा चकदाना मकंदपुर गुणाचौर बंगा राही खटकड़ कला इस दा आगाज करदिया यूनियन दे सूबा प्रधान सुरेंद्र कुमार पवारी ने कहा कि अज सरकार दी नवीं सिख्या नीति बिजली दे बिल 2020 किसानां मजदूरां विरोधी कानून सब कुछ निजीकरण दी नीति तहत कारपोरेट घराणियां नूं सौंपण दा कार्य केंद्र सरकार कर रही है। पंजाब सरकार कई स्कीमां तहत भर्ती किए कच्चे अध्यापकों नूं रैगूलर नहीं कर रही। उन्हां कहा कि पुरानी पेंशन पे कमीशन ते डीए दा बकाया दिता जावे, खाली असामियां रैगूलर भर्ती राही भर्तियां कीतियां जाण, सरकार प्लस टू तक मुफ्त ते लाजमी सिक्ख्या दा प्रबंध करे, प्राइवेट स्कूल बिल्कुल बंद किए जाण, खत्म कीतियां हजारां पोस्टां बहाल कीतियां जान, अध्यापकां दियां बणदियां तरक्कियां नूं भी लागू कीता जावे। इस मौके हरकमल सिंह संधु, जसपाल, सुखविंदर सिंह नामधारी, बलविंदर सिंह, करण कुमार, कमलजीत बजूहा, हरीश कुमार, जीवन कुमार, जगजीत सिंह रंधावा, विशाल सैनी, राम किशन, गुरदयाल कौर, पूनम नैयर, अते मनजिंदर कौर लसाड़ा, बलवीर कौर, नरलेप कौर, प्रदीप सिंह, अशोक कुमार, योगराज, प्रदीप सिंह भी हाजिर सन। इस मौके पवारी ने शहीद आजम सरदार भगत सिंह दे खटकड़ कलां विखे आदमकद बुत दे उत्ते प्रेस दे नाल जानकारियां भी सांझियां कीतियां। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, सारे आले को जे सिख्या दा प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो, सारे आले सिख्या दा प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो, नौजवानों लई रोजगार दा प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्राइवेटाइजेशन दीआं माड़ियां नीतियां मुर्दाबाद, सुरेंद्र कुमार पुवारी सूबा प्रधान स्कूल यूनियन अज शहीद आजम सरदार भगत सिंह दे आदमकद बुत ते जिथे इन्होंने सब तो पहला सजदा किया और जिहड़ी पंजाब सरकार वल्लों नवीं नीति एजुकेशन नीति जिहड़ी बनाई गई है उस संबंध दे विच इन्हां दा रोस प्रदर्शन भी फलौर तो चल के चकदाना और अड़ापड़ होंदे हुए बंगा खटकड़ कलां विखे पहुँचे ने। आपां इन्हां तों पुछदे हां कि जिहड़ी इन्हां ने रोस प्रदर्शन कीता उह कादे वास्ते कीता, उस नीति दे विच इहो जिहा की आ जिहड़ा इन्हां नूं रोस प्रदर्शन करना पिया। सब तो पहलां तां NKNTV वालियां दा साडा साथियों दा बहुत बहुत धन्नवाद, क्योंकि जिथे अज गोदी मीडिया लोगों की आवाज़ दबाउण च लगा आ, तुसी लोगों की आवाज़ नू जनता तक
लै के जाने का उपराला किया। थोड़ा तह दिलों बहुत बहुत धन्यवाद। साथी जी, अज का जोड़ा ये मार्च आ, ये नवी सिक्ख्या नीति चेतना मार्च जोड़ा फलौर तो शुरू होया और शहीद अमसर भगत सिंह जी के खटखट कलां पिंड तक पहुँचा आ। इस असी लोगों को दसना चाहते हाँ कि जी नवी सिक्ख्या नीति 2020 आ, इन्हें सिक्ख्या के खेत्र निगार लैके आना आ, क्योंकि ये नीति लगभग सारी दी सारी प्राइवेटेशन हत्थां दे विचों लंघी हुई आ और सारी दी सारी सिक्ख्या नूं जिहड़ी आ उह प्राइवेटेशन वल लैके जाऊगी और ये प्राइवेटेशन विच तुसीं जानदे हो कि आम जनता की पहुँच तो बाहर हो जाऊगी, जिस लई असीं ये जिहड़ा अज दा चेतना मार्च किया। पुआरी साहब, तुसीं सूबा प्रधान हो टीचर यूनियन दे, तुहाडे अपने बच्चे एक प्राइवेट स्कूल दे विच पढ़दे आ, उहदा की कारण है? साथी, तुहाडा प्रश्न बिल्कुल जायज़ आ, क्योंकि ये एक बारी प्रश्न नहीं हुंदा, बहुत बारी इस गल का प्रश्न हुंदा, क्योंकि इन्हां सरकारां ने बेड़ा बिठा के रख दिता इस गल का, क्योंकि एक हर एक जिहड़ा अपना जिहड़ा पढ़िया लिखा इंसान आ वह अपनी वो लास्ट इको पहुँच हुंदी आ कि मैं अपने बच्चे ने एक वधिया एजुकेशन देवां, और पिछले 20 सालों तो इस ना सरकारां ने सिक्ख्या का बेड़ा बिठा के रखता। असी ये मंग करते हाँ और मैं इस सब तो पहला होऊंगा कि सरकारी खजाने तो हर इंसान जिहड़ा तनखा लैंदा, हर नौकर जिहड़ा, हर अफसर जिहड़ा, हर मंत्री, हर DC, हर SCM जिहड़ा भी तनखा लैंदा वह इस गल का प्रण करे कि वह सरकारी स्कूल च अपने बच्चे दाखिल कराओ। असी सारे अपने अध्यापकों के बच्चे इतने दाखिल करावांगे, क्योंकि जदों इन्हां नीति घाड़ियां नूं पता लगेगा कि स्कूलों कमियां की आ, 20-20 साल हो गए पोस्टा खाली ने, उत्थे स्वीपर नहीं आ, उत्थे हुण इस बारी थोड़ा बहुत फर्नीचर का प्रबंध हो सकया आ, उत्थे टॉयलेट का प्रबंध नहीं, उत्थे पानी का प्रबंध नहीं आ, जदों इन्हां नीति घाड़ियां नूं पता लगू इन्हां दे बच्चे इत्थे पढ़नगे फिर ये सुधार वालों गल करनगे, फिर असी सारा भाईचारा जिहड़ा वह अपने इत्थे बच्चों नूं पढ़ावांगे। इस कोई दोरामा नहीं आ कि असी अपने वालों पूरी बच्चों नूं पढ़ाउण की कोशिश करते हैं, पर सरकार वालों कोई कोशिश नहीं की जा रही, पोस्टा हजे 20-20 सालों तो खाली पियां और अद्धियां तो वध पोस्टा जिहड़ियां ने उह खाली ने पूरे पंजाब च। ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਚਮਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ SC ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਲ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੂਗਾ। ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਗਏ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਔਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਔਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਆਮ ਵਰਗ ਲਈ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਸੀਗੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
अज सूबे की कन्वेंशन सी तुहाडी इह रोस मार्च जिहड़ा सूबे पद्धर दा सीगा सूबे पंजाब दे विच किन्ने जिहड़े सरकारी टीचर हैगे आ ते जिहड़े तुहाडे नाल इस वेले आए आ उह इक नाम मात्र है कि उह तुहाडा संघर्ष कामयाब होऊगा ये अज का जिहड़ा इह पंजाब दे वख वख जिल्यां च इह जिहड़ा संघर्ष हो रहा है पूरे पंजाब का एक मार्च नहीं सीगा हर जिले च हो रहा है असी सिर्फ अपने दो जिलों का इधरों किया है और जी गिनती है साड़ी थोड़ी डिवर्ट हो गई क्योंकि उधरों पिछे नाके होने करके कुछ साथी जे साडे बंगा रुक गए हैं तो कुछ जे नवांशहर जे साथी वो रह गए जिस करके साड़ी थोड़ा गिनती प्रभावित हुई है बाकी गिनती ना नहीं होना चाहिए कहिंदे आ वे क्वांटिटियां ना नहीं आ तुहाडी क्वालिटी डिपेंड करनी चाहिए आ और साडे जिन्ने भी साथी आए आ तुसीं शहीद भगत सिंह की गल करदे आ असीं उन्हां दे स्थान ते खड़े हैगे इस टाइम उन्होंने कल्यां ने जाके असैंबली च बंब सुट्टता सीगा ते पूरी दुनिया नूं हिला के रखता सी अंग्रेज जिहड़े कहिंदे सीगे साडे किते सूरज नहीं ढलदा उन्हां नूं इत्थों भजाता सीगा इह तां बहुत साथी ने जी की संदेश तुसी अपने टीचर वर्ग नूं जां अपने पंजाब दे वासियां नूं की देना चाहुंदे हो एनकेएन टीवी दे माध्यम राहीं मैं एनकेएन टीवी दे माध्यम राहीं दसना चाहुंदा साथी जी कि जे सरकार ने यही प्राइवेटाइजेशन की जी नीतियां लागू रखिया तो साडे बच्चों तो सिक्ख्या दूर हो जाऊगी नौजवानों को जोड़ा आ रुज़गार दूर हो जाऊगा तो ही सानू सारू जागरूक होना चाहिए इन्ह गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए ता कि असी बच्चों वधिया सिक्ख्या नौजवानों रुज़गार दे सकी इस सूबा प्रधान साढ़े नाल सुरेंद्र कुमार पवारी जी जिन्होंने दसिया कि जे साडे जेडे विचार साडे जेडे सुझाव वो पंजाब सरकार ने नहीं मने तो 19 अक्तूबर तो असी जेल भरो अंदोलन जारी रखांगे और अपने हक जरूर लैके रखांगे तुसी मेरे नाल देखते रहो एनकेएन टीवी कैमरामैन सौरभ झिंगड़ दे नाल।